इन इमेजेस को तो जरूर पहचान पा रहे होंगे, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि मशीन्स इन इमेजेस को कैसे पहचान पाता होगा? एनालिटिक्स इंडिया गुरु के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम न्यूरल नेटवर्क्स के रियल यूज केसेस के बारे में समझेंगे, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, या जिसे हम CNNs भी कहते हैं। हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हम तुरंत ही पहचान लेते हैं कि वो क्या है। जैसे कि इस इमेज को देखकर आपने पहचान ही लिया होगा कि ये एक बिल्ली है। हमारा विजुअल कॉर्टेक्स सिस्टम इस तरह ट्रेन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उतना स्पष्ट ना होने के बावजूद भी हम पहचान लेते हैं कि वो इमेज एग्जैक्टली क्या है। लेकिन मशीन्स के लिए ये कर पाना काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी सालों के रिसर्च के बाद फ्रेंच साइंटिस्ट और इस साल के ट्यूरिंग अवार्ड विनर यान लकुन ने 1998 में अपने काम के द्वारा ये दिखाया कि जीवों के इमेज रिकॉग्निशन क्षमता को मशीन्स में भी लाया जा सकता है। इस प्रोसेस के लिए उन्होंने CNNs का इस्तेमाल किया। एक CNN में कॉन्वोल्यूशन और पूलिंग दो मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, जो बहुत सारे एक्टिवेशन लेयर से गुजरते हुए हमें फाइनल आउटपुट देती हैं। लेकिन ये कॉन्वोल्यूशन क्या है? कॉन्वोल्यूशन मशीनी भाषा में एक तरह की स्कैनिंग होती है। मशीन कोई भी इमेज को पिक्सल के फॉर्म में आइडेंटिफाई करता है और एक पिक्सल के समूह को फिल्टर के द्वारा स्कैन करके उसकी जानकारी इकट्ठा करता है। ये फिल्टर कई तरह के हो सकते हैं, जो एक इमेज में एज, कर्व या कलर इंटेंसिटी डिटेक्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये फिल्टर्स अलग अलग साइज के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक 5x5x3 फिल्टर का उपयोग किया है। इन फिल्टर्स में रैंडम वैल्यूज होते हैं और जब हम इन फिल्टर्स को पपी के कान के ऊपर स्लाइड करते हैं या कॉन्वॉल्व करते हैं, फिल्टर के रैंडम वैल्यूज इमेज के पिक्सल वैल्यूज से जुड़कर हमें एक नए सेट ऑफ वैल्यूज देते हैं, जो इमेज के प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। इसी तरह बाकी की सारी संभावित प्रॉपर्टीज को भी कॉन्वोल्यूशन लेयर्स में फीड किया जाता है। इन कॉन्वोल्यूशन लेयर्स के आउटपुट को फुली कनेक्टेड लेयर में फीड किया जाता है, जिसका एंड रिजल्ट इमेज क्लासिफिकेशन में मदद करता है। उदाहरण के लिए इस आउटपुट में मशीन यह अनुमान लगाता है कि इस कान के पोमेरियन या पग के होने की संभावना 10% है और जर्मन शेफर्ड होने की संभावना 75% है। इन रिजल्ट्स को पाने के लिए नॉर्मलाइजेशन और रेगुलराइजेशन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेलू या रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट जैसे फंक्शंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में समझेंगे। तो ये था CNN के बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनर वीडियो, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज सारी बड़ी कंपनीज जैसे फेसबुक या गूगल फेस रिकॉग्निशन और फेस टैगिंग जैसे प्रोसेसेस के लिए कर रही है। CNNs के बारे में और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। आपकी कोई भी शिकायत या सुझावों को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।